हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। इस डोरमेट को मैंने आज बहुत आसान तरीके से बना लिया है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर साड़ियाँ ली थी, उसमें से ये स्ट्रैप कट कर ली है। ये देखिए, आधा आधा इंची की स्ट्रैप कट कर ली है। जो भी साड़ी आपके पास हो, आप वो वाली स्ट्रैप ले सकते हैं। ये देखिए, दोनों में से मैंने आधा आधा इंची की स्ट्रैप कट की है। तो आप यहाँ पर दो कलर, तीन कलर भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है। आपकी लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एक इंची के आधा आधा इंची गैप छोड़ते हुए इसमें कट के निशान लगा लिए हैं, एक इंची जितने गहरे। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैंने यहाँ पर 12 लगाए हैं, 12 ही मैंने इस साइड में लगाए हैं। तो अब हम कोई भी कलर की स्ट्रैप ले लेंगे इस तरीके से, और इसे हम इस तरीके से फंसा देंगे। इससे इस तरीके से फंसाते हुए दूसरी साइड से भी फंसाना है हमें, और इस तरह से हम इसे निकालते जाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर स्ट्रैप है उसकी मोटाई और भी ले सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा। मैं इसे डबल करके इस पर रैप करूँगी। तो ये देखिए, एक बार मैंने इसे कर लिया है। अब हम यहीं से इसे टर्न कर लेंगे, तो दूसरी बार भी हम इसे कर लेंगे यहीं से टर्न करते हुए, क्योंकि ये आराम से इसमें फंस गया है। तो ये देखिए, पीछे की साइड में मैंने थोड़ा सा इसे रखा हुआ है, तो इसे हम डबल करके इसे लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने डबल बार कर लिया है, इसमें जितने भी नॉट हैं वो बाद में निकल जाएंगे। तो जो इसमें एक्स्ट्रा स्टेप है उसे हम यहाँ पर कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने एक फ्रेम को बना लिया है। अब हम लेंगे दूसरी वाली स्टेप, तो उसे हम तो इस तरह से हम एक साइड में इसमें नॉट कर लेंगे। तो अब हम इसे एक को ऊपर रखेंगे, एक को नीचे रखते हुए इस तरह से हम इसे बुनते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक को ऊपर रखना है, एक को हमें नीचे रखना है इस तरीके से। इसे मैं साड़ी से बना रही हूँ, आप इसे किसी लेगी से या फिर किसी पजामी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। ये देखिए, इस तरीके से कर लिया है। अब हमने जिसे ऊपर रखा है उसे हम नीचे रखेंगे, जिसे नीचे रखा है उसे हम ऊपर रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले मैंने एक को ऊपर रखा था, उसे नीचे रख लिया है दूसरी साइड में। अब हमने जिसे ऊपर रखा है उसे नीचे रखेंगे, और जिसे नीचे रखा है उसे ऊपर रखेंगे। आप इस स्ट्रैप की थोड़ी चौड़ाई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ी पतली ली है, इससे इसका जो लुक है वो काफी अच्छा लगेगा इसलिए। इस तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे। एक को ऊपर रखना है, एक को नीचे रखना है, और जब हम दूसरी रो में आएंगे
तो जो नीचे रखा था उसे ऊपर कर लेंगे और जो ऊपर रखा था उसे नीचे करते जाएंगे। इस तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसका जो कितना ही प्यारा सा इसका कलर आ रहा है, यानी कि डिजाइन कितना ही प्यारा लग रहा है। और इसे हम इस तरीके से खिसकाते जाएंगे जिससे इसमें कोई भी स्पेस ना रहे और ढीला ना रहे इसलिए। तो ये देखिए इसे पहले मैंने नीचे रखा था, तो अब मैंने इसे पहले मैंने इसे ऊपर रखा था, इसे नीचे रखा है तो अब हम इसे ऊपर रख लेंगे। और इसे मैंने ऊपर रखा है तो इसे नीचे रख लेंगे और जो नीचे रखा था उसे ऊपर करते जाएंगे। इस तरह से इसका डिजाइन हम बनाते जाएंगे। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ये देखिए। तो इसी तरह से हम इसे पूरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे बनाना भी कितना आसान है और वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से बना रहे हैं जो देखने में और बनाने में बहुत आसान है। और ये हर किसी के पास होती हैं वेस्ट पड़ी हुई साड़ियाँ। आप इसे लेगी से भी बना सकते हैं। देखिए हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से आप बड़ा कारपेट यानी कि अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे नोट कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसे कट करते जाएंगे। इस तरह से कट करेंगे और इसमें हम नॉट्स लगा देंगे। दो में एक नॉट्स लगा देंगे। एक साइड से मैंने कट लगाते हुए इसे यहाँ पर नॉट कर लिया है इस तरीके से। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसमें नॉट लगा लेंगे कट लगाते हुए। ये देखिए इसमें मैंने नॉट्स बांध लिए हैं। ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो इनको इस तरीके से पीछे की साइड में करते हुए सिल दें तो आपको ये नॉट्स नहीं दिखेंगे। इस तरीके से भी सिल सकते हैं। तो आपने देखा होगा वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से हमने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।